आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस मार्क 2 के कॉकपिट के बारे में। अपडेट के हिसाब से तेजस मार्क 2 के कॉकपिट की डिजाइन फ्रीज कर दी गई है और इस कॉकपिट को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट में AMCA जैसा एडवांस कॉकपिट लगने वाला है और अभी तक जो AMCA के कॉकपिट को लेकर चीजें डिजाइन की गई हैं, वो सारी की सारी चीजें इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में जाने वाली हैं। इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पता होगी। इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे अभी तक अवेलेबल सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कंसोलिडेट करने की। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर AMCA का कॉकपिट देख रहे हैं और तेजस मार्क 2 का कॉकपिट ऑलमोस्ट सेम होगा। इस कॉकपिट में चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, हेड अप डिस्प्ले, जिसको आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर 1 से डिनोट किया गया है। दूसरी, साइड स्टिक, जिसको आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर 2 से चिन्हित किया गया है। तीसरी, लार्ज एरिया मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले, जिसको आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर 3 से चिन्हित किया गया है। और इस मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले के नीचे एक और डिस्प्ले दिया गया है, जिसको आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर 4 से चिन्हित किया गया है। ये डिस्प्ले काफी ज्यादा स्पेशल डिस्प्ले है, जिसके बारे में वीडियो में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेड अप डिस्प्ले के बारे में। इस एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला हेड अप डिस्प्ले HUD मार्क 2 कहलाएगा, जिसको CSIR की तरफ से सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी CISO बना रहा है। ये सिस्टम अभी के तेजस में यूज होने वाले हेड अप डिस्प्ले से ज्यादा लाइट होगा। इस सिस्टम का मीन टाइम बिटवीन फेलियर लगभग 10 गुना कम होगा, यानी कि अभी के सिस्टम से ये 10 गुना लंबी लाइफ रखेगा, जिसके वजह से ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा मॉड्यूलर सिस्टम होगा और मॉड्यूलर होने के कारण इस सिस्टम को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड किया जा सकेगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस सिस्टम को पुराने सिस्टम्स के साथ में भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा, यानी कि भारतीय वायुसेना के दूसरे फाइटर जेट्स जो उस समय अपग्रेड किए जाएंगे उनके लिए ये सिस्टम अवेलेबल होगा। आमतौर पर इस तरीके के सिस्टम्स की इंटेंसिटी धीरे धीरे समय के साथ कम होती चली जाती है, जिसके वजह से इनकी विजिबिलिटी में कमी आती है। इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान इसमें डिस्प्ले होने वाले सिंबल्स की इंटेंसिटी कम नहीं होगी। फिलहाल इस सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है और आने वाले समय में ये सिस्टम बनकर तैयार होगा, लेकिन तब तक तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा और इसी वजह से प्रोग्राम में डिले ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी शुरुआती प्रोटोटाइप्स के ऊपर डिजिटल लाइट इंजन हेड अप डिस्प्ले, जो कि BAE सिस्टम द्वारा बनाया जाता है, उसको इंटीग्रेट करेगी और परफॉर्मेंस के हिसाब से ये हेड अप डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम होगा। फाइनली जब CSIR का सिस्टम बनकर तैयार होगा, तब तक LCA तेजस मार्क 2 अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका होगा और प्रोडक्शन वेरिएंट में CSIR का हेड अप डिस्प्ले लगाकर इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा अच्छी अप्रोच है और इस तरीके की अप्रोच फॉलो होने के कारण इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंटल साइकिल काफी छोटी हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 2 यानी कि साइड स्टिक की। तेजस मार्क 2 देश में निर्मित पहला एयरक्राफ्ट होगा जिसमें साइड स्टिक होगी और इस एयरक्राफ्ट में साइड स्टिक होने के कारण कॉकपिट में बहुत ज्यादा स्पेस होगी और अर्गोनॉमिकली ये पायलट को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। साइड स्टिक का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है आपके सामने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका आपको क्लियर व्यू मिलता है और स्टिक साइड में होने के कारण आपके व्यू में कोई भी ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं आता है। साइड स्टिक और भी ज्यादा यूजफुल हो जाती है जब आपके सामने केवल एक वाइड एरिया मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले होता है और इसी वाइड एरिया मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले की मदद से आप ऑलमोस्ट सारे के सारे फंक्शंस कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस वाइड एरिया मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले की मदद से अलग अलग सेंसर से आ रहा अलग अलग डेटा काफी ज्यादा प्रोसेस मोड में आपके सामने इंफॉर्मेशन के तौर पर अवेलेबल होता है, यानी कि पायलट का लोड बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसी एक मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले की मदद से आप फ्लाइट पैरामीटर्स को जान सकते हैं। अलग अलग सिस्टम से आ रहा डेटा, चाहे वो रेडार से आ रहा डेटा हो, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक से आ रहा डेटा हो, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से आ रहा डेटा हो या रेडार वार्निंग रिसीवर से आ रहा डेटा हो, ये सारा का सारा डेटा प्रोसेस्ड होके आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल होता है और इतनी ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस होने के कारण डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा आसान हो जाती है और पायलट काफी कम समय में बहुत ही आसानी से डिसीजन कर सकता है। और ये जो समय की बचत है, ये आपकी जीत और हार के बीच का डिफरेंस हो सकती है। अब बात करते हैं इस कॉकपिट के चौथे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट की। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिस स्क्रीन को हम लोगों ने नंबर 4 से डिनोट किया है, ये इस एयरक्राफ्ट को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर वाली कैपेबिलिटी प्रदान करेगा और ये इस सिस्टम का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा नया कॉम्पोनेंट है। तेजस मार्क 2 जब फॉर्मेशन में उड़ेंगे तो इस फॉर्मेशन के पायलट्स को आपस में रेडियो चैनल्स के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हालांकि पायलट्स के पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, लेकिन बिना इस फैसिलिटी का प्रयोग किए हुए ये एयरक्राफ्ट आपस में बात कर सकेंगे। यही नहीं, ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी केवल फॉर्मेशन में उड़ रहे दूसरे तेजस मार्क 2 तक लिमिटेड नहीं रहेगी। ये फाइटर जेट विंगमैन ड्रोन्स को भी काफी आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे और ये विंगमैन ड्रोन्स इसी कॉकपिट से कंट्रोल किए जाएंगे। विंगमैन ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए इसी कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाएगा, जिसको आपके स्क्रीन पर अभी नंबर 4 से डिनोट किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लिए घातक UCAV का निर्माण किया जा रहा है और ये अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इस एयरक्राफ्ट को भी तेजस मार्क 2 के कॉकपिट से कंट्रोल किया जा सकेगा। एरो इंडिया 2021 के दौरान जो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स रिलीज किए गए थे, ये सारे के सारे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, चाहे वो कैट्स अल्फा हो, कैट्स हंटर हो या कैट्स वॉरियर हो, ये सारे के सारे सिस्टम तेजस मार्क 2 के कॉकपिट से आसानी से कंट्रोल किए जा सकेंगे। और इन सभी कैपेबिलिटीज के साथ में जब ये फाइटर जेट अपने मिशंस पर निकलेगा, तो ये एनिमी के लिए काफी ज्यादा घातक होने वाला है। इन सब के अलावा ये कॉकपिट वॉइस को रेस्पॉन्ड करेगा, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को वॉइस कमांड दी जा सकेंगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इसका कॉकपिट पायलट को डिसीजन मेकिंग में भी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। और इसी वजह से जब भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग ये कहते हैं कि इस एयरक्राफ्ट को मिराज 2000 से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तेजस मार्क 2 मिराज 2000 से टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है। इनफैक्ट कुछ मामलों में ये एयरक्राफ्ट रफाल से भी ज्यादा बेहतर होगा। अगर तेजस मार्क 2 के फिजिकल फीचर्स की बात की जाए और इसको तेजस मार्क 1 और मार्क 1A से कंपेयर किया जाए, तो इस एयरक्राफ्ट के डायमेंशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। जहां इस एयरक्राफ्ट की लेंथ लगभग 1.35 मीटर बढ़ी है, वहीं विंग स्पैन केवल 30 सेंटीमीटर ही बढ़ा है। और माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट का ओवरऑल एम्प्टी वेट या तो अभी के तेजस के बराबर रहेगा या उससे कम हो जाएगा। वहीं अगर इंजन पावर की बात की जाए, तो वो लगभग 14 किलो न्यूटन बढ़ेगा, यानी कि लगभग सेम वेट के साथ में इंजन पावर बढ़ रही है, जिसके वजह से इस एयरक्राफ्ट की ओवरऑल एरोडायनामिक कैपेबिलिटीज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तेजस मार्क 2 में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे और इन 11 में से 8 हार्ड पॉइंट्स के ऊपर ये एयरक्राफ्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कैरी कर सकेगा। वैसे कॉकपिट को लेकर जो दूसरी अपडेट है, वो है इन मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेस का प्रोक्योरमेंट। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से इन मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेस का प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया गया है और आने वाले कुछ समय में 3 प्रोटोटाइप्स के लिए मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अंत में एक आमतौर पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आंसर करते हुए इस वीडियो को खत्म करते हैं। आमतौर पर पूछा जाता है कि तेजस एक सिंगल इंजन फाइटर क्यों है, या तेजस मार्क 2 को डंप करके टेड बीएफ के बेसिस पर ऑर्का के ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए, सिंगल इंजन फाइटर जेट्स ऑपरेशनली काफी ज्यादा सस्ते होते हैं और कैपेबिलिटी के मामले में ये एयरक्राफ्ट कहीं भी ट्विन इंजन फाइटर जेट से पीछे नहीं होते हैं। हालांकि ट्विन इंजन फाइटर जेट्स कंपैरेटिवली ज्यादा फ्यूल और ज्यादा वेपन कैरी कर सकते हैं, लेकिन 2 इंजन होने के कारण ये ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं अगर बैलेंस देखा जाए, तो आपको दोनों प्रकार के फाइटर जेट्स की आवश्यकता होती है और इसी वजह से तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 में सिंगल इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और ये दोनों फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। तेजस मार्क 2 जब असेंबली लाइन से निकल कर आएगा, तो उस समय ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का टेक्नोलॉजिकली सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये भारतीय वायुसेना के लिए रियल गेम चेंजर होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पिछले वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स को देख सकते हैं। इस वीडियो की टॉप 5 कमेंट अगले वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी।